केरल की धरती से सीएम मनोहर लाल ने आज एक बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा उन लोगों के लिए है जो अकाल मृत्यु के शिकार बनते हैं और अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ जाते हैं। अब सीएम ने 1,80,000 रुपए तक आमदनी वाले परिवारों के लिए दयालु योजना शुरू की है। इस योजना के मुताबिक अगर किसी शख्स की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 1,00,000 से 5,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है। और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1,00,000 रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2,00,000 रुपया परिवार को उसका हम देंगे। अगर 12 से 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3,00,000 रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता तो परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5,00,000 रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3,00,000 रुपया देंगे। हमने ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3,000 रुपए इन सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है, होता है नहीं? तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और एक कदम आगे, मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए हैं, 1,80,000 से नीचे आए हैं, और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो, उसको भी पेंशन दे देंगे। ये दुख तकलीफें हैं समाज की, इन तकलीफों को शायद ही कोई समझ पाया हो। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, स्कीमें तो जैसा बताया गया, बहुत स्कीमें हमारे पास हैं, इन स्कीमों के कारण से हम समाज के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हरियाणा में 3C यानी कि करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म कर 7-स्टार राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने 7S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य किया है। हमने कहा कि सरकार ने विगत 9 सालों में लगातार अंत्योदय उत्थान के अपने लक्ष्य पर चलते हुए गरीबों व वंचितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।